ओरिजिनल पुलिस होता, मैं करीना इधर, ओरिजिनल करीना। नहीं ये झूठ बोलता, मैं करीना, तुम शूटिंग पे जाओ जाता। नहीं ये झूठ बोलता, ये करी अम्मा, ये ओरिजिनल कॉप करी अम्मा, मैं करीना, करीना कितना झूठ बोलता, ये कितना झूठ बोलता, मैं करीना होता, ये करी अम्मा। यो अम्मा, तुम टॉप का कॉप होता लेकिन एक्टिंग एकदम बकवास करता, कितना गंदा कॉपी मारता देखो। उधर शूटिंग पे मेरे को यहाँ पता नहीं क्या किया, इतनी जोर से मारा मैं बेहोश हो गया, उसके बाद ये यहाँ भाग के आया। ये करी अम्मा, मैं करी ना सीनियर सुंदरी, ये देखो मैं लेफ्ट प्रोफाइल, देखो इधर रियल बवाल, ये करी अम्मा। हाँ भागे हम, शुक्र मनाओ कि तुमको सिर्फ बेहोश किया, तुमको जान सही नहीं मारा। तुम्हारे ये फालतू शूटिंग से अच्छा हमारे लिए इस ठग को ढूंढना है जो बाहर घूम रही है आजाद दूसरी ठग करने के लिए। बिल्लू की मौत एकदम उसके नजदीक में है और हम भटक गए हैं तुम्हारे शूटिंग की वजह से। हमारे लिए हमारा काम ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा ये शूटिंग नहीं, समझे तुम? तुम्हारे ये जो झूठा फेम और झूठी शोहरत, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखती है, हमारा काम हमारे लिए मायने रखते और हम वो करेंगे सबसे पहले, समझे तुम? भागे हम इसका शूटिंग छोड़ के। और तुमको क्या पता करीना कि जान का कीमत क्या होता है? देखिए करिश्मा सिंह, हम आपकी फीलिंग समझते हैं, इनफैक्ट हमें उम्मीद थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन आपको हम पर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए था। बहरहाल देखिए, हमें उस औरत का एड्रेस अब मिल चुका है, आगे अब संभाल लेंगे हम। आप जाएंगी वापस और करीना का काम संभालेंगे, और जब तक हम आपसे नहीं कहते तब तक आप शूटिंग का सेट छोड़कर जाएंगी नहीं। पर मैडम सर हमारे, करिश्मा सिंह प्लीज राइट नाउ। जी मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। आपसे हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल बिल्लू जो है हॉस्पिटल से वापस आने वाला है। बिल्लू को अब तक पता नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है, कोशिश कीजिए कि जब तक हो सके बिल्लू को ये बात ना पता चले, ये उसी की सेहत के लिए बेहतर होगा। प्लीज उसके रूम का बंदोबस्त करवाइए जिसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जी मैडम सर। बिल्लू को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। जितना हो सके वो खुश रहे, आराम से रहे। जी मैडम सर। बदनाम भाई, जहर पिलाओ। अच्छा यार, बिल्ली का कुछ पता चला? उतरी अरे मर तो नहीं गया, चेक करो, चेक करो। हाँ यार, हॉस्पिटल मर गया, उसका कोई है भी नहीं हमारे अलावा, लाश तो लानी पड़ेगी ना। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे ओ बिल्ले, तू ठीक हो जाए, ये हो नहीं सकता, और हम तुझे ठीक होते देखे ये हम होने नहीं देंगे, समझा? अस्पताल से डिस्चार्ज कब हुआ तू? हाँ कैसा मेरा भाई तू, बोल। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे शुभ चिंतकों, मैं प्रभु के चरणों में, प्रभु में लीन हो चुका हूँ। अब मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा, अब मैं बिल्लू बाबा हो गया हूँ। अरे नहीं नहीं बिल्ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मासूम आदमी, कहाँ पड़े हुए सब चक्कर। मूर्ख बालक, ये सारी बातें, तू जैसे प्राणियों के स्तर से बहुत ही ऊपर है, देखना कुछ ही दिनों में ये सारी दुनिया इस बिल्लू बाबा के चरणों में होगी, नतमस्तक करेगी, इस सारी दुनिया को बिल्लू बाबा की शक्ति का आभास हो जाएगा। प्रभु की लीला है, प्रभु का तांडव। बिल्लू जी, अब मैडम सर अंदर आपका इंतजार कर रही है, और एक सरप्राइज भी आपके लिए। ओम नमः शिवाय। अब ना हमारा सर रहा, ना हमारा प्राइज रहा, हम तो बैरागी हो गए है। ना सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय। ओम नमः शिवाय। चलिए, ओम नमः शिवाय। चलो चलो देखते हैं क्या। हाँ आ जाओ। आओ बिल्लू। तो आज से ये है तुम्हारा नया बिल्लू निवास।
यहाँ पर तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं, यहाँ तक कि अम्मी रोज गर्मा गर्म खाना बनाकर तुम्हारे लिए यहाँ भिजवाएगी। और तुम तो जानते ही हो कि अम्मी के हाथ का खाना कितना अच्छा है। हे प्रभु, ओम नमः शिवाय। कभी चखने का मौका नहीं मिला, वरना बता देते आपके अम्मी का हाथ का टेस्ट कैसा है। मिलेगा मिलेगा तुम्हारे लिए। देखो वहाँ पर टीवी भी लगाया हुआ है, एसी भी है, हर तरीके का सारा इंतजाम है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला अगाध है। प्रभु ओम नमः शिवाय, प्रभु आप महान हो, महान हो। बाबू, अरे इतनी खातिरदारी कैसे? संतोष, ये क्या बातें कर रहे हैं, चल क्या रहा है ये? मैडम सर, आपको बताया था ना, बिल्लू जी के सपने में साक्षात महादेव आए थे, उन्हें शक्ति देकर गए हैं कि वो किसी के भी सर पर हाथ रखेंगे तो उनके सारे दुख तक चले जाएंगे। अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा? सच ही बोलेंगे ना, भगवान के नाम पे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। इतनी अच्छी ट्रीटमेंट कैसे? हाँ वही तो, मैडम सर खातिरदारी कर रही है। ऐसे कैसे, क्यों हो गया ऐसा? प्रभु की लीला है। ये बिल्ले, एक काम करोगे, चलो देखते हैं लोग तुमको कितना मानते हैं। अब मैडम सर को बोलो ना हमारा कंधा दर्द कर रहा है, दबा दे। रे 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 रे, क्या सिखा रहा है सब तुम लोग? मैडम सर, हमारा कंधा दबा दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल, रहने दीजिए, प्रभु की इच्छा यहां तक ही थी। पैर पकड़ने हैं, चरण स्पर्श करने हैं तो महादेव के कीजिए। ओम नमः शिवाय। क्या बात है, बाइक बहुत अच्छे से चलना सीख गई? हाँ तो, दो दिन का कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो जी। मेरा हार्ड वर्क, मेरा डेडिकेशन। अरे अम्मा को क्या लगता है कि सिर्फ वो ही बाइक चलाता क्या? देखो मेरा बाइक एयर से कैसा टॉकिंग करता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ राइट 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 राइट, बस बस रुक जाओ। कैसा? कैसा मतलब? कैसा रुकता, मेरे को चलाना आता, रुकना नहीं आता। अरे वो दबाओ ना। क्या क्लच? नहीं नहीं, वो नहीं दबाता। तो दूसरा दबाओ फिर। ओ करी अम्मा, मना करा, मैं नहीं दबाता। तो रुकेंगे कैसे? जब पेट्रोल खत्म होता तब रुकता, अभी बैठो। अरे अरे रुको रुको। पसली तोड़ के हाथ में दे देगी ना कि पता भी नहीं चलेगा तेरे को। अयो अम्मा, तुमको बॉक्सिंग आता? हाँ, दिखाओ तेरे का। ए, अम्मा बचाओ। बचाती मैं तेरे, किधर भाग, किधर किधर इधर आ, इधर। अभी तो मारा भी नहीं, चिल्ला कर रही है। तुमको जिधर मारना उधर मारना, लेकिन फेस को टच नहीं करना और मेरे लेफ्ट फल को तो बिल्कुल नहीं मारना।
ये ले। नालायक, उसको मारा तूने। तीजी तो तुम भी आ गई। ये ले, ये। नालायक, आजा, 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 आजा। तुमको मारा, उसको जाके पकड़ो। तुमको भी तो मारा, उसको जाके पकड़ो। नहीं, अभी बाद में पकड़ता। चलो, 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 आई। इतना मारता। रीना जी, क्या हुआ आपको? बैठिए। क्या हुआ? क्या हुआ? कुबटा। बैठिए मेरे कुबटा। अरे लगा तो हमें भी है। आपको क्यों लगा? ये तो हमको बहुत अच्छा तरीका से पता। लाख बार इनको बोले करीना जी को, लाख बार बोले कि इनसे एक्टिंग मत सीखिए। सीखी इनसे एक्टिंग, कहीं ओवर एक्टिंग कर देंगे, पीट पिटा गए होंगे दोनों लोग। बताया था ना करीना जी आपको। भाग। अच्छा एक सेकंड पुष्पा जी, आप पानी पीजिए ना। हाँ पीजिए। अरे दोगी तो पियेंगे ना। मैडम सर देखिए ना क्या हो गया करीना जी को और पुष्पा जी को, क्या हो गया देखिए। अरे क्या हो गया पुष्पा जी? करीना आप लोग ठीक है? डॉक्टर बुलाए हम, कहाँ चोट लगी है? नासपिटी गरम जली चुड़ैल कहीं की। एक मिनट पुष्पा जी, करीना वो है, हम नहीं है, ये सब वो है। और आप भूल रही हैं कि हम आपके सीनियर हैं, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, समझिए आप। अरे अरे हम आपको थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं, हम तो उस रूपा को कोस रहे हैं जिसको पकड़ने के लिए मैडम सर ने हमें भेजा था। नालायक बहुत लड़ाकू निकली मैडम सर, वो इतना कूटा इसे, इतना मारा इसे, इतना धोया इसे। खाली मेरे को? नहीं नहीं, मतलब हमको भी थोड़ा मारा, मगर क्या है, हम तो पुलिस में है ना, हमने अपने आप को थोड़ा सा बचाया। मगर ये तो शूटिंग वाली, ये तो ना सिर्फ मुंह से झिशुम झिशुम आवाज निकाल रही थी, एक थप्पड़ नहीं मारा इसने। मेरे को शूटिंग वाला आदत ना, ओनली साउंड नो टचिंग, लेकिन वो शूटिंग वाला नहीं निकला। मेरे को बहुत मारा, मेरे को इधर मारा इधर मारा। और भेजिए मैडम सर इस रूई के फाई को, नाचने कूदने के अलावा इसको कुछ नहीं आता, दिन भर मटकती रहती है। नहीं मतलब उस धोखेबाज औरत से सरेआम पिटकर ये आ गई है, हमारी इज्जत का जुलूस निकाल दिया है इसने। हमने पहले ही कहा था मैडम सर ये किसी काम की नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा और आई। अरे बाप रे, आराम से। और तुम बहुत होश यार, तुम सारे काम एकदम परफेक्ट करता, तुम बहुत स्ट्रांग होता ना, आता मेरे को शूटिंग से कॉल, बताता मेरे को कि तुम क्या क्या गुल खिलाता मेरी शूटिंग में। हाँ हमाओ गुलबुल मत बोलना, नहीं तो दुनिया से गुल कर देंगे तुमको, बता रहे हैं। देखा देखा हाँ, खुद का पोल खुलता तो वाइड वाइड आंख करके मेरे को देखता। देखो क्या किया, क्या किया, क्या हमने, हाँ क्या किया, हाँ क्या किया बताओ गुरुजी। हीरो के कान में इतना जोर का ऑटोग्राफ दिया कि वो ऑफ साउंड हो गया, उसके राइट ईयर में उसको कुछ सुनाई नहीं आता, पिक्चर से मैं आउट हो गया, मेरा सपना वॉश हो गया, मैं फिर से वही आइटम गर्ल, मैं वही आइटम गर्ल रह गया, हीरोइन नो सपना नो, इसकी वजह से, इसकी वजह से। शुक्र मनाओ कि उसका जबड़ा नहीं उखाड़ा हमने, ठीक है। मैडम सर देख रही हैं, हमने कहा था ना ये आदला बदली इतनी आसान नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से इतने विपरीत है, नहीं ले पाएंगे एक दूसरे की जगह। हमें बिल्लू को बचाना है मैडम सर, हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। उस धोखेबाज औरत को पकड़ना है मैडम सर, जिसकी वजह से हमारे बिल्लू का ऑपरेशन खटाई में पड़ा है, उस एक धोखेबाज औरत की वजह से ना, जरूरतमंदों की सहायता करने से लोग संकोच करते हैं। करिश्मा बैठो। नहीं अभी मूड नहीं है। बैठो, 2 मिनट बात करनी है। देखो हम समझ सकते हैं, तुम कौन है? हम बैठो बैठो, देख, 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 हम देखते। अरे मैडम सर आप जी। जय हिंद। आइए ना, आइए ना। जय हिंद मैडम सर, आप यहाँ इस वक्त सब ठीक है? हाँ हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक, हमने बस सोचा कि नहीं नहीं ठीक है, एक खुशखबरी मिलकर आप दोनों को दे दें कि अब आपको करीना बनकर सेट पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उससे फ्री हो चुकी हैं, अब आप थाने वापस आ सकती हैं, अपनी ड्यूटी संभाल सकती हैं और वो कर सकती हैं जो आप हमेशा करती हैं।
शुक्रिया मैडम सर। नहीं नहीं, आप हमारा नहीं किसी और का शुक्रिया अदा कीजिए। आ जाओ। ये डिसीजन करीना का ही है। क्या ये, कहाँ जा रही हो तुम? मैं वापस चलता, बैक टू चेन्नई। क्यों? कि करी अम्मा मेरे हीरो को मारा, मेरे हीरो के कान का वन साइड का साउंड आउट होता, मैं पिक्चर से आउट, वो प्रोड्यूसर मुझे प्रोजेक्ट से आउट करता, बोला तुम जाओ वापस, सब फिनिश, मेरा करियर फिनिश, सब फेल हो गया। लेकिन मेरे को इस बात का दुख नहीं होता, मैं खुश होता कि मैं यहां से जाता ना तो करी अम्मा का जान छूटता मुझसे। तुम तो खुश होता करी अम्मा, मैं यहां से जाता अब तुम मुझे नहीं झेलता, खुश ना तुम? सुनो ना, जानबूझकर नहीं किया हमने, समझे? वो तुम्हारा हीरो जानबूझकर वैसा छूने का प्रयास कर रहा था हमें बार बार। नहीं, हमसे घुटन होता है, हमको नहीं सहन होता, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम ये सब हरकतें। उसके साथ काम कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको अधिकार मिल गया कि वो हमें कहीं भी छू सकता है, बदतमीज इंसान। ये बात तो सही है, ये तो हम भी देख रहे थे, इसलिए हमने उसको एक जोर से कंटाप लगाया। अब समझ में आया होगा उसको, इसलिए ना हमें तुम्हारा ये फिल्मी लाइन पसंद नहीं है। करी अम्मा अच्छा बुरा इंसान हर जगह होता, तुमको क्या लगता बड़ा बड़ा ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बड़ा बड़ा कंपनी में ऐसा लोग नहीं होता? हर जगह होता करी अम्मा, मेरे हीरो जैसे रास्कल हर जगह मिलता, सच में। अब तुमको समझ में आया कि मेरा जॉब, मेरा प्रोफेशन कितना मुश्किल होता, मैं कितना मेहनत से, कितना पेशेंस से काम करता वहां पे, तुम समझा? ये बिल्कुल ठीक कह रही है करिश्मा सिंह, इस दुनिया में अपनी जगह बनाना खास तौर पर एक औरत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कितने लोग, उनके कितने सारे ईगो, न जाने कितनी चैलेंजिंग सिचुएशंस, उस सब के बाद एक औरत फाइनली अपना एक मुकाम, अपनी एक जगह, अपना एक वजूद बना पाती है दुनिया में। करिश्मा सिंह देखिए, आप माने या ना माने, गलती आपसे हुई है। अगर आप इस पूरे मामले को थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता। हमारी नजर में आपको एक टास्क दिया गया था जो आप पूरा नहीं कर पाई, जिसमें आप फेल हो गई हैं, और यहां तक कि आप अपना वादा भी नहीं निभा पाई। अच्छा ठीक है, मैं जाता, फ्लाइट का टाइम होता। बाय गुरुजी, बाय करी अम्मा, बाय सीनियर सुंदरी। सुनो, हमने तुम्हें कहा था कि तुम करिश्मा सिंह कभी नहीं बन सकती, वो बात सच है, क्योंकि करिश्मा सिंह तुम्हारी तरह ऐसा हार कर वापस नहीं जाती। करिश्मा सिंह लड़ती, आखिरी दम तक लड़ती, जब तक जीत नहीं जाती। हम करेंगे बात तुम्हारे प्रोड्यूसर से, मनाएंगे उनको, और हो सके तो उस हीरो से माफी भी मांगेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा पिक्चर तुमको वापस दिलवा के रहेंगे, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने तुम वादा का कितना पक्की, मालूम मुझे मालूम। ठीक है, तो फिलहाल तो तुम्हें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं नहीं चाहता। आ तो बहू, आ तो सास माँ। हाँ, आई? नहीं, अब ऐसा। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया। और एक अच्छी बात ये है कि उस फ्रॉड औरत के बारे में पता चल गया है, एक टीम हमने बनाकर उसके पीछे भेजी है, बहुत जल्द कोई लीड मिलनी चाहिए। पर हमें अब भी बिल्लू की बहुत फिक्र हो रही है, वक्त बीतता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था नफीसा उर्फ अमीना उर्फ रूपा के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हाथ आई है। ये नफीसा जो है अब तक 10 अलग अलग साइट से क्राउड फंडिंग कर चुकी है। क्या? जिसमें से 9 तो बिल्कुल ही फेक है, कोई ऑफिशियल अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है,
ना ओनर का कोई अता पता है, ना अकाउंट होल्डर का कुछ पता है, लेकिन एक साइट है जिसके बारे में पता चला है और उसका नाम है पुष्पा जी, एक सेकेंड, उम्मीद है .com. इसके बारे में हमारे पास डिटेल्स है और एड्रेस भी है, और एड्रेस वही है जहाँ से वो फहीदा को नफीसा को सबसे पहले उठाया गया था हमारे ख्याल से. जय हो बिल्लू बाबा, बिल्लू बाबा की जय हो. अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये कौन है आप, ये क्या कर रहे हैं? अरे बिल्लू बाबा की जय हो, बिल्लू बाबा के दर्शन करने आए हैं मैडम. एक सेकेंड, हम आपको मिलवा देंगे बिल्लू जी से, लेकिन आप ऐसे पोछा लगाते लगाते क्यों आ रहे हैं? हाँ? पोछा नहीं लगा रहे हैं तो भक्ति दिखा रहे हैं. घर से यहाँ तक ऐसे ही आए हैं ताकि बिल्लू बाबा के एक बार दर्शन हो जाए तो हमारा भाग्य चमकने लगे. जय हो बिल्लू बाबा. तो आपको पता चल गया बिल्लू बाबा के बारे में? ए, हमें क्या माता जी. हाँ, दीदी. दीदी बुलाइए इनको. दीदी आप आगे बोलिए. सारे शहर को पता चल गया है बिल्लू बाबा के बारे में. मैडम सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्लू जी कुछ ज्यादा फेमस नहीं होते जा रहे. कहाँ है बिल्लू बाबा, मुझे दर्शन करना है, बताइए ना. हाँ हाँ, मिलवाते संतोष शर्मा इन्हें लेकर जाइए. जी आइए, जाइए, आइए, आइए, आइए. बिल्लू बाबा की जय हो. बहरहाल एक काम कीजिए, आप और करीना साथ में जाइए, इस उम्मीद है .com के ओनर से मिलिए, देखिए क्या पता चलता है, पता कीजिए, जानकारी निकालिए उस नफीजा उर्फ रूपा उर्फ अमीना. हाँ हाँ, उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब ना लालच का चक्कर है. जब पहली बार उस औरत को पता चला कि अपना दुख सुनाकर लोगों से पैसे निकलवाए जा सकते हैं, तो उसके मन में लालच आ गया. उसने इसे अपना ठगी का धंधा ही बना दिया और लोगों को इसके लपेटे में लेने लग गई. कंपनी खोल दी लोगों को ठगने के लिए. सच में इस तरह के लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ठगों की वजह से जब असलियत में लोगों को जरूरत होती है ना, तो कोई मदद करने आगे नहीं आता. क्या है ये? क्या? अरे क्या, कैसे चल रहे हो तुम? ऐसे चलता है क्या कोई? भूलना नहीं कि ये शूटिंग नहीं चल रही है, ये वास्तविक जीवन है, ये वर्दी असली है, और तुम असली पुलिस वाली बनकर यहाँ आई हो, और वो भी करिश्मा सिंह. करिश्मा सिंह मतलब असली भौकाल, असली बम का गोला, भरी हुई बंदूक, समझ गई ना? तो पूछताछ करते समय करिश्मा सिंह का रौब दिखाकर पूछताछ करना. कैसे पूछती है वो? ए, जो पूछ रहे उसका सही सही जवाब दो, वरना ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी. दरोगा जी देखा तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा. मालूम मेरे को, मुझे मालूम है. अब तुम देखो कि अंदर जाके मैं क्या कमाल करता. फॉलो मी. हाँ हाँ, मैं फोन कर. आई विल कॉल यू बैक. जी जी, हम हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ. जी. और ये है KQKS. KQKS क्या? क्या? कंटाप क्वीन करिश्मा सिंह, SI, फीमेल पुलिस स्टेशन. माइंड इट, सीधे खड़े रहो. मैं सीधा ही खड़ा हूँ मैडम. तो टेढ़ा मेढ़ा होके सीधा हो जाओ, क्योंकि करिश्मा सिंह ने बोला तो करना होगा. क्या 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 मतलब? कुछ नहीं. अब तुम ही हो रोहन आचार्य, अब इस वेबसाइट के ओनर? जी हाँ, मैं ही. अच्छा, आपकी शायद मुझसे बात हुई है. जी जी जी. फॉलो मी. ग्रीन ट्री. बाहर बहुत ग्रीन ट्री दिखाई दिए ना, आप पर्यावरण प्रेमी लग रहे हैं. ऐसा वो ऐसे आ रही थी. बर्बाद करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और आई एम श्योर, मैं उम्मीद करता हूँ आप पुलिस वाले के पास भी बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा. जी जी. मेरी एक्चुअली DSP सर के साथ मीटिंग है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली. आप लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मुद्दे पर आते हैं. जी ये देखिए, इस औरत को आप जानते हैं ना? मैं रूपा, मेरे बच्चे को कैंसर की बीमारी है. मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि मेरी सहायता करें. मेरे बच्चे को बचाने के लिए आप लोग जितनी धनराशि दे सकते हैं दीजिए. अरे हाँ बिल्कुल, नफीसा अंसारी ये अपने बच्चे के साथ आई थी. एक्चुअली इसका बच्चा बहुत बीमार था, इलाज बहुत महंगा था,
और नफीसा को देखकर उसकी माली हालत को देखकर मुझे पता चल गया था कि शी कैन नॉट अफोर्ड दिस इलाज. ओके सो मैंने अपने वेबसाइट पे उसके बच्चे की वीडियो डाली थी और क्राउड फंडिंग भी करवा के दी थी. बट इजंट दैट लीगल? बात क्या है बताते हैं. क्या तुमने उस लड़की का प्रॉब्लम वेरीफाई किया? डीएसपी सर से मीटिंग है इनकी. क्या तुमने पता किया कि वो लड़की झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है? देखिए मैडम, नॉर्मली ऐसे केसेस में हम लोग लीगल मेडिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन नफीसा का केस बहुत अलग था और उसके बच्चे को मेडिकल अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए सिर्फ बच्चे का रिपोर्ट देख कर हमने सीधा वेबसाइट पर डाल दिया. एक मिनट मैडम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, नफीसा को लेकर इतने सारे क्वेश्चंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो लड़की झूठी होता, झूठा, मक्कार, फ्रॉड, फरेबी, लायर, चीटर, सब. तुमको बोला कि उसका बेटे का तबियत खराब, बेटा सिख. इनको बोला उसके पति सिख. हाउ सिख? यस, इनको च्युइंगम चिपकाया, इनका सारा ज्वेलरी लेके टेक ऑफ करता, फरार, उसका कोई आता पता नहीं. हमारे पास उसके खिलाफ कंप्लेन है, इसलिए हम उसको ढूंढता. अनबिलीवेबल, इतना बड़ा धोखा. एक मिनट मैडम, ये मैडम हर बार राइट में क्यों टर्न हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. वो मुझे सब बोलता कि मेरा लेफ्ट प्रोफाइल बहुत ब्यूटीफुल होता. मेडिकल वेरिफिकेशन ना सही, मगर आपने कुछ पूछताछ तो की होगी ना उससे, मतलब कुछ तो होगा आपके पास जिसके भरोसे हम उस तक पहुंच सके. डोंट वरी, मेरे पास उसका फोन नंबर, एड्रेस और अकाउंट नंबर भी है. मैडम एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी करके इस लड़की को जल्द से जल्द पकड़ी, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से हम लोग उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिन लोगों को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है. मैडम देखिए, मैडम आप उसे पकड़िए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, मैं आपके साथ हूं. सुनकर बहुत अच्छा लगा सर. वैसे एक और मदद चाहिए आपसे. प्लीज. एक आदमी है बिल्लू, उसे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज. डॉक्टर ने कहा है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना 2-2.5 महीने से ज़्यादा ऊपर जी नहीं पाएगा. ऑपरेशन के लिए देश से बाहर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा है, कम से कम 55-60 लाख. बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं अपने खर्चे के लिए. क्या आप अपनी वेबसाइट थ्रू अगर कुछ क्राउड फंडिंग का कुछ कर सकते हैं उसके लिए? तो डोंट वरी मैडम, हम इसके लिए तो बैठे हैं, हम उसकी भी मदद करेंगे. आई एम श्योर उसके ऑपरेशन के लिए मैं खुद डॉक्टर से बात करूँगा. डोंट वरी अबाउट इट. आप चाहे तो कल उसे लेकर आइए उसके मेडिकल रिपोर्ट के साथ. नहीं नहीं, कल की जरूरत नहीं सर, वो हमारे साथ ही आया है, नीचे रिसेप्शन पे बैठा है. उसके रिपोर्ट्स भी हम साथ लेकर आए हैं, और जिस अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं आप उनके साथ भी एक बार बात कर सकते हैं. श्योर, हम अभी उसको लेकर आते हैं. ठीक है, हम आए. कितना खुश है बिल्लू, ना चाहते हुए भी हमें इसकी बीमारी का सच उसे बताना पड़ेगा और उसकी ये खुशी उससे छीननी पड़ेगी. पर हम भी क्या करें, मजबूर है. बिना सच बताए इसके ऑपरेशन के लिए पैसे भी तो जमा नहीं होंगे. शिव जी शक्ति देना हमें, हमें सच कहने की और बिल्ले को सच सहने की. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. माते, ओम नमः शिवाय, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है हम तुमसे कैसे कहे बिल्ले. देखो बहुत बहुत हिम्मत से काम लेना. हाँ, हम अभी जो कुछ भी कहेंगे उसे बहुत हिम्मत से सुनना. हाँ माँ. देखो मृत्यु जो होता है वो अटल है, जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन ये संसार छोड़ के जाना ही होता है ना? समझ रहे हो ना तुम हमारी बात को? माँ तुम ऐसी आध्यात्मिक बातें क्यों कर रही हो? क्या भगवान तुम्हारे भी सपने में आए थे? नहीं ना, तो मुद्दे पे आओ माँ. ब्रेन ट्यूमर है बिल्ले, थर्ड स्टेज,
बस 2-2.5 महीने और। माँ, माँ ये कैसे? माँ, इससे बचने का कोई रास्ता है ना? है। डॉक्टर साहब ने बोला है एक ऑपरेशन है जो जान बचा सकता है। अच्छा। बस उस ऑपरेशन के लिए अपने देश से बाहर जाना पड़ेगा और 55-60 लाख का खर्चा आएगा। इतना खर्चा? ओके। यानी फिर से मुझे चोरी करनी पड़ेगी, चोर बनना पड़ेगा। लेकिन क्या फायदा, आजकल के ये लोग कैश नहीं रखते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट उसी पे चलता है सब कुछ। ऑपरेशन के पैसे कैसे जमा होंगे? हाँ, आपका ऑपरेशन कैसे होगा? हमारा नहीं बिल्ले, तुम्हारा। मेरा तो पिछले महीने हो गया ना, पत्रिका निकलवा दी। ट्यूमर का ऑपरेशन तो आपको है ना? तुमको है बेटा। बिल्ली होश में है बेटा। देखो तुमको ब्रेन ट्यूमर है, तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं क्राउड फंडिंग के लिए। देखो हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। ये माँ तुमसे वादा करती है तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, ठीक है? चलो चलो माँ, उठो चलो। मेरे भगवान ने ऐसे क्या किया मेरे साथ? सब ठीक हो जाए, ट्यूमर सब ठीक हो जाए। मैं ट्यूमर से मर रहा हूँ माँ। हम है ना तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो 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 चलो, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। चलो कुछ नहीं, सब ठीक होगा, सब सब। यार ऊपर वाले का भरोसा रख, तुम्हारे पास संतोष है, मेरे पास असंतोष है। समझ रहे हैं यार बिल्ले? मैडम सर देख रही हैं आप, कल तक इतना खुश रहने वाला, सबको हंसाने वाला अपना बिल्लू आज कितना दुखी है, कितना टूट गया अंदर से। हाँ पुष्पा जी, लेकिन बिल्लू को हम कुछ होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मैडम सर, ये उन लोगों का नाम है जिनकी किसी ना किसी जरूरत के नाम पे नफीसा ने क्राउड फंडिंग का पूरा कैंपेन चलाया था। अलग अलग लोग, अलग अलग गेटअप, अलग अलग इमोशनल स्टोरी, एक कॉमन फैक्टर है और वो है नफीसा। जाहिर सी बात है कि नफीसा ने किराए के कलाकार उठाए हैं और फिर ये इस तरह के का स्क्रिप्टेड और फेक कैंपेन चलाया है। हमें लगता है कि इनमें से अगर कोई एक भी मिल जाएगा ना, तो नफीसा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पर मैडम सर, सवाल ये है कि कैसे पहुंचेंगे उन तक? सारा खेल ही फेक आइडेंटिटी का है, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कैसे पहुंचेंगे वो शातिर लोगों तक? हे, ये बच्चा अगर हमें मिल जाए तो इसके माँ बाप तक भी पहुंच सकते हैं हम। यही तो बच्चा है जो वीडियो में था। हाँ। और बच्चे तक कैसे जानना है? आप श्योर आपको समझ में आ ही गया होगा? स्कूल ड्रेस, मैं अभी पता लगाती हूँ कि यूनिफॉर्म कौन से स्कूल की है और फिर बच्चे तक पहुँचना तो आसान ही है। वेरी गुड संतोष शर्मा। सिंगाड़े। हाँ। नहीं, अच्छी बात है ना। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, ये करीना का क्या चल रहा है? वो मार्शल आर्ट सीखने गई है ताकि फिर कोई रूपा उसे पीट पाट के ना चली जाए। ओ गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। आप इस बच्चे को जानती हैं? जी बहुत अच्छे से, ये तो यूनुस अंसारी है, हमारे स्कूल में ही तो पढ़ता है। भाई क्या हो गया माँ? एम्बुलेंस तो स्पाइस से, एम्बुलेंस तो डाय हो गया माँ। मुझे न वीक मिली, न शादी, न संसार, न घर बार, सीधा प्रभु के द्वार। मुझे तो लगा था कि प्रभु मुझे अद्भुत शक्ति देने आए हैं, लेकिन मुझे क्या पता था प्रभु मुझे अपने साथ लेने आए हैं। अयो अम्मा, तुम क्या डायलॉग मारा? प्रभु दिटिंग, दिटिंग। बिल्लू, मैडम सर,
बिल्लू। तजुर्बा कहता है हमारा कि जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक विश्वास है। कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें बिल्लू, अभी तो हमें साथ में बहुत सारे केसेस सॉल्व करने हैं, बहुत सारे ताले खुलवाने हैं तुमसे। इतनी आसानी से ये थाना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और हम तो बिल्कुल नहीं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप मैडम सर। वो कहते हैं ना कि अच्छे लोग का जरूरत भगवान को भी होता है, इसीलिए भगवान अच्छा लोग को बहुत जल्दी अपना पास बुला लेता है। वैसे भी इसको यहाँ डर भी नहीं है, इतना बड़ा दुष्ट आदमी, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा नरपिशाच। घटिया भी तो है ना, ये हमको छोड़ के कहा जाएगा? नहीं जाएगा। मैं हूँ नरपिशाच, हूँ दुष्ट, हूँ घटिया, हूँ। अब मैं यहाँ रहूंगा ना। संतोष शर्मा, बच्चे के बारे में कुछ पता चला? जी मैडम सर, बच्चे का नाम यूनुस अंसारी, थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और उसकी माँ नफीसा अंसारी, जिसकी हमें तलाश थी। और ये रही फोटो, ये लीजिए मैडम सर। वेरी गुड संतोष शर्मा, और हम ये भी जानते हैं कि आपने एड्रेस भी निकाल ही लिया होगा। जी मैडम सर, एड्रेस भी पता है। ओके, क्या हुआ संतोष शर्मा? नफीसा का एड्रेस मिल चुका है, हम उसे कभी भी जाकर अरेस्ट कर सकते हैं, ये केस सॉल्व होने वाला है, आप खुश नहीं है? मैडम सर, वो एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ये एड्रेस नालापार इलाके का है। नालापार? अभी मैं समझा संतोष जी इतना कंसर्न क्यों है। यहाँ किसी को हाथ भी लगाया ना तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। नाला पर बहुत खतरनाक एरिया है। हाँ मैडम सर, बहुत बार ऐसा हुआ है, वहाँ पुलिस गई है अपराधियों को पकड़ने के लिए, मगर बाद में सिर्फ उनकी खबरें ही आई हैं, वो कभी वापस नहीं आए। वहाँ जाके किसी को पकड़ना मतलब मैडम सर मगरमच्छ के मुंह से मांस छीन के लाना है। मैडम सर मैं जाता हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, यहाँ रह के भी बैठे बैठे मर रहा हूँ, वहां जाके शहीद हो जाऊंगा। आई एम बिलू द स्पाई, से बिलू द डाई हो जाऊंगा, मुझे जाने दो। बिल्लू, बिल्लू जी, नहीं बाबू, मुझे जाने दो। नहीं पुष्पा जी, मगरमच्छ के मुंह से मांस छीन कर लाना ही होगा। ये औरत एक मुजरिम है, इसे अरेस्ट करना हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, लेकिन हम आप में से किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए ये काम हम अकेले करेंगे। हम खुद जाएंगे नाला पार नफीसा को अरेस्ट करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप मैडम सर? हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, अगर आप जाएंगी तो हम भी आपके साथ चलेंगे, है ना? हाँ मैडम सर, मैं भी चलूंगी। हम भी। देखिए, हम आप सबके जज्बात बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये काम हम अकेले ही करेंगे, और दिस इज एन ऑर्डर। क्लियर? बोलो, कौन बोल रहा है? क्या अस्पताल से फोन आया, मेरी रिपोर्ट आई है, और मेरी रिपोर्ट वो ट्यूमर वाले पेशेंट से एक्सचेंज हो गई थी। मुझे ट्यूमर व्यूमर कुछ नहीं हुआ है। मैं बच गया, अब मैं बिल्कुल स्पाई हूँ। नाला पर कौन जा रहा है? तुम। मजाक कर रहा था। चलिए, कम से कम ये बला तो टली। अब नामुमकिन को मुमकिन करके आते हैं, नफीसा को अरेस्ट करने। पासिंग एक्शन। आई लव समोसा। कट कट कट। मैडम ऐसे नहीं खाना है, समोसा खाने में थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा फील और थोड़ा सा इंटेंसिटी डालिए मैडम। एसिडिटी का कोहराम मच गया पेट के अंदर उसका का। अरे मैडम, मैंने बोला था ना, हीरोइन समोसे में अपने हीरो को इमेजिन कर रही है। वो समोसे को आई लव यू नहीं, वो अपने लवर को आई लव यू बोल रही है। एक मिनट, प्यार प्यार डकार मार रहा है हमारा। 25 समोसा खा लिया हमने आधे घंटे के अंदर अंदर, हमारे पेट के अंदर जलन मच रहा है। समोसा देख के चिढ़ आ रही है, हमें नफरत हो गया समोसे के नाम से, और आप कह रहे मैडम काम है करना पड़ेगा।
जब तक एक परफेक्ट शॉट नहीं मिल जाता ना, तब तक तो ट्राई करना पड़ेगा मैडम। आप एक काम करिए, आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है, चूरन वूरन खाइए हाजमे का, फिर हम लोग करते हैं एक फ्रेश शॉट और फ्रेश समोसे के साथ, ठीक है? पकड़ो, हटो। सुनो, मैडम के लिए ना एकदम फ्रेश समोसे गर्मा गर्म मंगा के रखो, ठीक? चलो। आप कौन मैडम? करीना मैम, आप? सॉरी। गोपाल बहुत अच्छा, मेरे से ही पूछता मैं कौन हूं? हमारा ब्लैक कॉफी किधर, कब लाएगा? जी लाया मैम। जल्दी जाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। संतोष बोलो। जी मैडम सर, आपके लेफ्ट साइड में गली दिख रही है? हाँ। ठीक वहां से 20 मीटर पे एक सिग्नल मिल रहा है मुझे। ठीक है, ओके। और मैडम सर, क्या प्लीज ध्यान से थोड़ा। हाँ। मैडम सर, आप सिग्नल के काफी नजदीक हैं। क्या है? थाने चलिए, कुछ पूछताछ करनी है, लेने आए हैं आपको। अगर मैं नहीं आई तो जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। जबरदस्ती? क्या कहूं, मतलब तेरे हिम्मत की दाद दू कि तेरी बेवकूफी पे हंसू? पता है ना तेरे को तू किधर है? हा? अगर तूने मेरे को हाथ लगाया ना तो तू मेरे को क्या, तू खुद ही यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। हाँ, अरे मैडम, जान है तो जहान है रे, तो क्या है ना, चुपचाप से ठंडे ठंडे यहाँ से निकल जा, वरना एक नजर पीछे डाल दे। यहाँ क्या कर रही हो? Oh God, करी अम्मा, मेरे को आना पड़ता, बहुत जरूरी होता। उस सीनियर सुंदरी उस फ्रॉड को पकड़ने नालापर नाम के एरिया में जाता। सब बोलता कि जो पुलिस वाला उस एरिया में जाता ना, या तो वो इंजर्ड वापस आता या कभी वापस नहीं आता। कब
बात कर रही हूँ, मैडम सर नालापार एरिया में काहे जा रही हैं, वो भी बिना बैकअप फोर्स के। ये तो सरासर पागलपन हुआ ना, इसलिए मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यूनिफॉर्म लाया, इसको पहन के जाओ और सीनियर का जाके मदद करो, उसको तुम्हारा बहुत जरूरत, जाओ गो। धन्यवाद करिए अम्मा। हाँ आज रक्षाबंधन होता, राखी नहीं बनवाएगा? बचपन से मेरे को बहुत प्रोटेक्ट किया, स्कूल में कितने लड़कों को पीटा तुम मेरे लिए। बचपन से मेरा अप्पा से नहीं बना, इसलिए मैं तुम्हें ही अप्पा, ब्रदर, सिस्टर सब देखता। मेरे को मालूम तुम मुझे डिसलाइक करता, पर तुम क्या कर सकता, दिस रिलेशन इज मेड बाय गॉड। मानना मुझे अच्छा लगेगा। क्यों करे अम्मा, एक मिनट, स्वीट तो नहीं होता तो इसी से काम चलता। रुको, मैं चलता। सही कहा तुमने करीना, ये रिश्ता भगवान ने बनाकर भेजा तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तुम एक बात मत भूलना, हमने राखी इसलिए बनवाया क्योंकि ये रिश्ता भगवान ने बनाया। लेकिन जो तुमने किया था ना हमारे साथ, जो पीड़ा तुमने दिया था, उसका दर्द हम अभी तक भूले नहीं है, इस बात को भूलना मत। तुम्हारे ये चाय की एक घूंट के मिठास से तो वो दर्द कभी जाने नहीं वाला है। सॉरी करी अम्मा। अयो मैं भी जाता, इतना अच्छा एक्शन कहाँ देखने को मिलता। चलना तो पड़ेगा, प्यार से चलो तो अच्छा है। अच्छा चल चल, ले जा कर दिखा तू, चल। मैडम सर प्लीज वहां से निकलिए, आप छोड़ दीजिए सब, निकलिए वहां से प्लीज। नहीं संतोष शर्मा, आ जाए हैं तो साथ लेकर ही जाएंगे। मैडम गलती कर रही है तू, चलो सोच ले। चलो चलते चलते सोच लेना, चलो। एक बार फिर सोच ले, गलती कर रही है तू। अच्छा चल, खेले बाजी अपनी अपनी, देखे किसके हिस्से में क्या आता है। है हुनर अगर तेरा तेजा भी, तो आग से गुजरना हमें भी आता है। तुम क्या डायलॉग मारता, मैं नोट करता और अपनी फिल्म में बोलता। क्या डायलॉग था वो, गरीब का क्या भूल गया? डायलॉग नहीं था, शेर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से फौरन। नहीं मैं नहीं जाता, ऐसा नजारा कहाँ देखने को मिलता, ऐसा सीक्वेंस, चारों तरफ खतरा और बीच में अप्सरा। करिश्मा सिंह नहीं, ब्यूटी क्वीन करीना। लेकिन निकलो, मैं थोड़ा और सीखेगा।
और मुझे करता तुम्हारे। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? कहाँ है हमारे बहू के गहने? पैसे दे तो हमें। पुष्पा जी। करिश्मा सिंह, आप ही है ना करिश्मा सिंह करीना बनकर हमें बेवकूफ बना रही हैं? ये मई है, मई क्वीन करीना। अच्छा, यहाँ आओ। जाइए जाइए। बताओ हमने तुमसे क्या वादा किया था? तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम करी अम्मा को कभी नहीं बताएगा कि वो पैसों वाला डोनर मई था। हाँ, और कि मैं ये मूवी मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता ये भी तुम करी अम्मा को नहीं बताएगा, यही बात है। मई करीना होता। अभी तुम देखो मेरा परफॉर्मेंस। गुरु अम्मा, हाँ? जब करी अम्मा किसी क्रिमिनल को जेल में डालता तो क्या डायलॉग मारता? कोई डायलॉग नहीं मारता, सिर्फ अपना हाथ मारता डंडा लेकर। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी। क्या ही 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 ही। डिट्टो। क्या डिट्टो? डंडा प्लीज। संतोष जी, कहाँ भाग रही है, कहाँ जा रही है तुम? एक्शन बोलो। हाँ? बोलो एक्शन। अब हम तुमसे जो पूछता तुम उसका जवाब देता, और जो नहीं पूछता उसका भी जवाब देता, और अगर नहीं दिया तो डंडा चलता, और जब मेरा डंडा चलता तो किसी का नहीं चलता, समझी? सुपर्ब बोलो, सुपर्ब। सुपर्ब। क्या सुपर्ब? सुपर्ब का सुपर्ब रे। अभी बोलो तुम्हारे साथ और कौन कौन होता? बोलो 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 बोलो। आराम से करो, आराम से, मोच आ जाएगी। हाँ हाँ, मोच आ जाएगी। कौन कौन होता तुम्हारे साथ बोलो? एक मिनट। वैसे तो हम उसूलन थाने में वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आज यहाँ वायलेंस होगा, बहुत जरूरी, क्योंकि इस औरत ने जो घटिया और जलील काम किया है इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए, इसे सबक सिखाना होगा। करिश्मा सिंह की भाषा में कहें तो नारियल में से अगर पानी निकालना है तो उसे छीलना तो पड़ता ही है। अयो अम्मा, क्या डायलॉग मारा! एक मिनट, मैं नोट करता। पेन? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, हम है ना छात्र दिवक। गुरु अम्मा, डंडा लाइए। ये लो सीनियर सुंदरी। मैं बताती हूँ मैं उन सब के नाम बताऊंगी जो इस रैकेट में शामिल हैं। आप सबके नाम लिख लेना हा? और मैं उनके खिलाफ सबूत दूंगी, गवाही दूंगी, सब दूंगी। आप उनको पकड़ लेना और जेल में डाल देना। मैं माफी मांगती हूँ। मैं समझ गई हूँ मैडम, हमारे जैसे धोखेबाजों की वजह से लोगों का इंसानियत पर से विश्वास ही उठ गया है। हमारे जैसे बेईमान लोगों की वजह से लोग तो जरूरतमंदों की भी मदद नहीं करते। माफ कर दीजिए मुझे। सॉरी। पुष्पा जी, सबके नाम लिखिए, वारंट निकलवाइए और सबको लेकर आइए थाने। जी मैडम। और हाँ, महिला पुलिस थाने की तरफ से एक नोटिस भिजवाइए न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, इंटरनेट पर, हर जगह, कि अगर इमोशनल रीजंस की वजह से क्राउड फंडिंग का कोई भी कैंपेन अगर किसी को नजर आता है तो पहले उसे अच्छे से जांचें, परखें, वेरीफाई करें और उसके बाद ही फाइनेंशियल हेल्प करें। जी मैडम सर। मदद बहुत ही नेक जज्बा है, मदद हमेशा करनी चाहिए। मदद की वजह से ही आज इस दुनिया में थोड़ी बहुत इंसानियत अब भी कायम है। नफीसा जैसे एक फ्रॉड की वजह से वो सारे एनजीओ जो सच में बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं उनके काम में अड़चन नहीं आनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मदद सही जगह, सही वजह से और सही इंसान तक पहुंच रही। खुश रहिए और खुश रखिए, यही है जिंदगी जीने का सही तरीका। माँ, ऊपर जाके फोटो निकालू गया कैसे? अरे ऐसे निकालो, आजा। चेहरा तो दिखना चाहिए।
शोना, हाँ, शोना। हाँ बेबी। फोटो शोना। अच्छा शोना, यहाँ शोर ना कम सुनाई दिया। दिखाओ। आईयो अम्मा। इस ब्लर फोटो खींचता तुम? खुशी के आंसू पोंछ दो और देखो। एक नहीं साफ। हाँ अच्छा अच्छा। ये अच्छा ये अच्छा। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये भी अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इतना डार्क डार्क क्यों होता? डार्क? ये मेरा सेल्फी है। हटा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये भी अच्छा है देखो। चलने बताएं। अच्छा अच्छा। एक तुम नीचे गिरता तो भी फोटो खींचता? लो एंगल ना। अयो अम्मा, मैं इस टकली को कितनी बार बताया मेरा लेफ्ट प्रोफाइल सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तो फिर नीचे लो एंगल में क्या ही करता? नो, मुझे अब भी क्या भी वीक चाहिए। हाँ हाँ, और यू आर ऑल ओवर सुपर कैरी। थैंक यू। अच्छा कैरी। हाँ कैरी हो गया। माँ दिल की बात लिख हो गई। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद मैडम। मैडम रिपोर्ट लिखाना है हमको, चोरी का रिपोर्ट लिखाना, जल्दी लिखे ना मैडम। हाँ हाँ लिखते लिखते, बैठिए। होल्ड इट, मैं सीनियर हूँ, मैं रिपोर्ट लिखता। नहीं नहीं हम लिख लेंगे, हम लिख लेंगे। नहीं नहीं, मेरा मूवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे को लिखने दो, प्रैक्टिस होता। यस प्लीज प्रोसीड। क्या चोरी होता? जानम। किसको किसको बोला जानम, किसको बोला? नहीं वैसे नहीं, हमारी जानम चोरी हो गई है। ओ जानम, योर वाइफ? नहीं नहीं, वो तो ये है, ये। अच्छा तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, कैसी बात कर रही है मैडम आप? आई एम 100 वन पीस वन वुमन मैन एंड माय वुमन इज दिस। हमारी अभी भी शादी हुई है, इनका नाम नहीं है। हेलो बोलो बोलो। हेलो हेलो। जानम कौन है फिर? मेरी बाइक मैडम, अभी वाले बर्थडे पर ना इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो इन्होंने गिफ्ट दिया था तो हमने गाड़ी का नाम जानम ही रख दिया। डबल ओ। हाँ हाँ, तो फिर कहाँ से चोरी हुई आपकी ये जानम? होल्ड इट, तो फिर कहाँ से चोरी हुई आपकी ये जानम? विजय मॉल के पार्किंग से अच्छी खासी गाड़ी पार्क करके गए थे और आए तो अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी वाले से नहीं पूछा? पूछा था ना, लेकिन वो मॉल के पीछे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था। हे बाप रे, मॉल के सिक्योरिटी वाले को क्यों नहीं पूछा? होल्ड इट, मॉल के सिक्योरिटी वाले को क्यों नहीं पूछा? उससे भी पूछे थे, कहता है कि मैडम कैसे पता चलेगा कि कौन मालिक है? जिसके पास गाड़ी है वह मालिक है, और मैडम वो एरिया भी ना मॉल के पर्सनल स्पेस में नहीं आता है। जी मैडम जी, हमारी गाड़ी ढूंढ के दे दीजिए, सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। शादी की है? नहीं नहीं, गाड़ी खरीदे हुए 5 महीने हुए हैं और अभी हमें 10 इंस्टॉलमेंट भी भरनी है मुझको। आइए अम्मा, तुम तो बोला तुम्हारा बाइक तुम्हारा वाइफ ने गिफ्ट किया। मैडम हमने ही की थी वो ना, डाउन पेमेंट हम किए थे, इंस्टॉलमेंट ये भर रहे हैं। अरे बाप रे, कितना डाउन पेमेंट किया? 500। बाप रे, और बाकी का इंस्टॉलमेंट हम भरेंगे? तो जाने दो ना, छोड़ दो ना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बाइक मिल जाएगी। आप अपना नाम और सारी डिटेल्स इन्हें दे दीजिए, पुष्पा जी इनकी रिपोर्ट लिखिए। जी मैडम सर। जी करिश्मा सिंह, पुष्पा जी रिपोर्ट लिखेंगी यहाँ। ओह यस यस। हाँ रिपोर्ट लिखने के बाद मॉल का मुआयना करवाना होगा। हाँ, मैं क्या बोलता? एक मिनट, चीता संतोष कहाँ है? वो दोनों इधर देखो, फाइल सजा रहे दोनों। सो क्यूट। से बाहर आ जाओ। जी मैडम सर, बुलाएं आप? हाँ, इनकी बाइक जो है विजय मॉल से चोरी हुई है, वहाँ जाइए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए, देखिए क्या पता चलता है। इनकी बाइक से रिलेटेड कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। जी मैडम सर। मैं भी जाता, फील्ड एक्सपीरियंस मेरी मूवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम करिश्मा सिंह हो। मैं नहीं भूलेगा। मैं जाता। थैंक यू सीनियर। तो मैं जाता। हाँ कहाँ जाता? पहले रिपोर्ट लिखना होता। मतलब पहले रिपोर्ट लिखेंगे फिर जाएंगे। हाँ हाँ, तो यू राइट ना, मैं इतना चुप करके आता। तो क्या होता है, थाने में घंटी बजती है,
ट्रिंग ट्रिंग आप फोन उठाती हैं, चौंक जाते हो, कट्टू बाइक शॉट, आपकी बाइक हवा को चीरते हुए विगन के अड्डे के तरफ जा गई है। अच्छा, अब एक मिनट पीछे हटिए ना, पीछे हटिए। के बाद में फिर आपका बैक शॉट, फ्रंट शॉट, गो एंगल। सर सर, एंगल मैं लगा लूंगा, आप स्टोरी नरेशन दीजिए। कट्टू वेरियस लोकेशन, उसके बाद में इंस्पेक्टर बिजली गानी विगन के अड्डे में एंट्री करती है और एक्शन शुरू। नहीं नहीं, आजू बाजू बहुत सारे गुंडे आपको घेर लेते हैं, आप अपनी गन निकालते हो और फायरिंग शुरू करते हैं। नहीं मैडम, नहीं, गन वापस रख लेती है। काहे? क्योंकि गंध में कारतूस नहीं है। अच्छा, तो मतलब फिर वहाँ पे हम जाते हैं और हम अपने हाथों पैरों से जो एक्शन शुरू करते हैं और घूसा लात होता है। नहीं, तब... नहीं, नहीं, नहीं। मैडम ये ना बहुत रियलिस्टिक मूवी है। अब आप बताइए कि एक औरत इतने सारे गुंडों को हाथों से कैसे मारेगी? अम्मा हटिए पीछे, एक्शन आ नहीं रहा, आप छाता लेके हमारे सामने घुस रहे हैं, पीछे रहिए ना थोड़ा। हाँ जी, तो वो करती क्या है फिर? करती का म्यूजिक ओवरलैप होता है, डांस नंबर चालू। किसका? आपका। काहे? अगर जब तक बैकअप फोर्स नहीं आएगी मैडम, आपको गुंडों को रोक के रखना है। कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। तो आप उन सब के सामने डांस कर उनको उलझाती हैं मास्टर ऐसे ऐसे। एक मिनट, लेकिन इससे पहले ही तो वो हीरो के सपने में जो है अपना बिजली रानी कमर मटका रही थी, इससे पहले ही तो मटका रही थी। नहीं कैन, वो हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया था, उसका थॉट प्रोसेस था, और ये तो रियल है, इसमें बिजली मिशन के लिए डांस कर रही है। वर्दी में? नहीं, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। कहाँ चेंज हो गया भैया, गुंडों के अड्डों पे चेंज हो गया, क्या वर्दी कहाँ से चेंज हो जाएगा? मिल गया होगा मैडम, इतनी सिनेमैटिक लिबर्टी चलती है। इधर आइए, इधर आइए, यहाँ लगाए थे आप? यहाँ खड़ी की थी हमने अपनी जान, नीले रंग की थी। अयो अम्मा, कितना हॉट, ऐसे लगता है वोल्केनो में से किसी ने वाल्व निकाल के रख दिया। इतना गर्मी में जान हम पार्क करता तो कोई भी चुराता ना। सॉरी मैडम, पर गर्मी से चोरी का कनेक्शन है? तोपा हो का? नहीं मतलब इतना छोटा बात इनकी कोपड़ी में नहीं घुसता। इतना गर्मी में कोई वॉच नहीं करता, देखो कोई नहीं। तो चोरों के लिए ये गोल्डन चांस होता, इसलिए वो बाइक चुराते। हाँ मैडम, आप भले ही लंबी नहीं है लेकिन आप सोचते कितना लंबा है। ये तारीफ, ये बिजती। थैंक यू जी मैडम, लेकिन फिर भी आसपास देखना तो होगा ना, रूटीन इन्वेस्टिगेशन। हाँ मेरा कोपड़ा गरम, तुम सी गो गो गो। संतु जी आप ना इधर देखिए, हम इधर देखते हैं। हाँ जी ठीक, आधी इधर आधी उधर। साइड प्लीज साइड बेबी, ये आपकी कड़क अदरक वाली चाय। बेबी सिर्फ ग्रीन टी पीती है। नो, बेबी को सिर्फ स्पेशल कड़क अदरक वाली चाय पसंद है, इसीलिए तो हमारा स्पेशल पैकेज में हमारी पेमेंट प्रोडक्शन कर रहा है। बेबी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये बस हमें पता है, ठीक है? एग्जांपल देखना है, अभी चाय की चुस्की लेने के बाद बेबी हमें कान के पास जोरदार कंटाप मारेंगे, देखो। यस, सी अंडरस्टैंडिंग, सालों से काम कर रहे हैं साथ में। थैंक यू बेबी, लेके जाओ। थैंक यू बेबी, हम नाश्ता लेके आते हैं। देखा जी सर, हम मुद्दे पर आते हैं, आप ये बताइए कि अब एक्शन कब आ रहा है? आ गया है मैडम, आ गया है। इसके बाद में आपका डांस नंबर खत्म हो जाता है और जो विगन है वो पहचान जाता है कि ये डांसर नहीं, ये तो इंस्पेक्टर बिजली गानी है। और जैसी वो आपको बेहोश करता है और अपने साथ अपने घर लेके जाता है और फिर एक्शन शुरू होता है। नहीं, म्यूजिक ओवरलैप हो जाता है, काहे बिजली का डांस शुरू होता है। माँ टोपा है क्या, यहाँ नाच रही है वहाँ नाच रही है, जहाँ जा रही है सिर्फ नाचे जा रही है। अरे रिलैक्स मैडम, रिलैक्स, आप तो साउथ की इतनी बड़ी आइटम गर्ल हैं, यहाँ की पब्लिक भी तो आपका डांस चैनल देखना चाहेगी कि नहीं, बस इसीलिए एक आध आइटम नंबर रख लिए। नहीं नहीं भैया, एक आध सीन में एक्शन रखा है, बाकी आप हर जगह डांस का टैलेंट ही दिखवा रहे हैं। एक्शन में तो होगा ना मैडम, पेट मैडम पेट आ रहा है, हम जा रहा है। वाह क्या बात है, क्या एटीट्यूड पकड़ा है बेबी, यही तेवर चाहिए इस कैरेक्टर के लिए, हिट है, सुपर हिट है फिल्म। इस साल का गमला चंद बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज फॉर यू बेबी, लिख के ले लो, सारे आइटम नंबर कैंसल,
अब होगा सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन। दादा बेबी को उठा करके वहां रखो। का? अरे इस बेबी लाइट को उठा करके वहां रखो, अगले शॉट की तैयारी, समझे? मूड मूड एनर्जी, चलो। का मुसीबत है, यहाँ इन टोपा लोगों ने हमारा खून पी रखा है और वहाँ पता नहीं वो दिवाली की फुलझड़ी हमारी छवि का बैंड बजा रही होगी।